नमस्कार किसान भाइयों, मैं अंकित यादव आपके छोटे से YouTube चैनल हिंदुस्तान डेयरी फार्म में आपका स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आपने वीडियो के थंबनेल के अंदर देख लिया होगा कि आज हम वीडियो के अंदर हल्दी के ऐसे बहुत ज़बरदस्त फायदे आपको बताने वाले हैं, जिससे आप जो हल्दी को कई बार बेकार समझ लेते हैं, वो बिल्कुल भी आपकी बेकार नहीं रहेगी। तो सबसे पहले बात बता दूँ कि जो अपनी हल्दी होती है वो एक नेचुरल एंटीबायोटिक होती है, जो पशुओं के कहीं पर भी मान लीजिए आप कीटाणु या कीड़े पड़ जाते हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा हिफाजत कर देती है, उन कीड़ों को जल्दी से जल्दी मार देती है और आपका पशु बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। और दूसरी बात जो मेन आपकी है कि जो पशु के अंदर कहीं का भी इन्फेक्शन हो, चाहे वो लीवर का हो, यूट्रस का हो, फेफड़ों का हो, कहीं बच्चेदानी का हो, कहीं का भी इन्फेक्शन हो, वो आपकी हल्दी बिल्कुल जल्दी से जल्दी उसको मिटा देती है। आपने जो विक्की पंसारी जी होगा का नाम सुना होगा, उनका जो हल्दी का हलवा है वो भी इसी फॉर्मूले के ऊपर काम करता है कि वो भी आपका जो बच्चेदानी का इन्फेक्शन है वो दूर करता है। इसी प्रकार जो हल्दी, मैंने आपको पहले बता दिया कि हल्दी एंटीबायोटिक होती है और वो आपके जो पशुओं के अंदर जो वायरस या बैक्टीरिया चला जाता है, एंटीबैक्टीरियल भी कहा जाता है हल्दी को, वो आपके पशुओं के जो बैक्टीरिया होता है उनको मार देता है और आपके पशुओं को स्वस्थ बना देता है। किसान भाइयों, आपको मैं नंबर वन जो बात है वो बता दे है कि आपके पशुओं में एक शरीर में कहीं भी कीड़े पड़ जाए आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर दो, आपके पशु के शरीर में कहीं भी इन्फेक्शन हो जाए तो आप बिल्कुल उसका इलाज हल्दी से कर सकते हैं। तीसरी बात, आपके पशु को सर्दी जुकाम लग जाए उससे उसका भी आप इलाज हल्दी से कर सकते हैं। चौथी बात, आपके पशु के अगर मुंह में छाली हो जाए तो भी आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है तो भी हल्दी का प्रयोग कीजिए। आपका पशु क्या भी नहीं ठहर रहा है तो भी हल्दी का प्रयोग कीजिए। और मैं तो आपको ये बात कहना चाहूँगा कि आप कम से कम अपने पशु है उनको डेली 5 से 10 ग्राम हल्दी खिलाएं, जिससे आपका पशु हरदम स्वस्थ रहेगा, उसको किसी भी प्रकार कोई बीमारी नहीं होगी। और किसान भाइयों, अगर आपको लगा कि ये एक देसी फार्मूला आपके काम आ सकता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।